बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस दरख्त ने अभी जड़ पकड़ी है तो एक आदमी की ताकत से उखड़ जाएगा, लेकिन जब उसकी जड़ें जमीन में दूर तक धंस जाती हैं तो 100 आदमी भी जोर लगा ले उसे उखाड़ नहीं सकते। सिखाने पढ़ाने से नालायक लायक नहीं बन सकता। इसी तरह नाकस लोहे से उम्दा तलवार नहीं बनाई जा सकती। जन्नत उस मुकाम का नाम है जहां खुदा अपने बंदे से और बंदा अपने खुदा से राजी हो जाता है। यही मुकाम अगर दुनिया में हासिल हो जाए तो दुनिया भी जन्नत बन सकती है। सादी की नसीहत दिल के कानों से सुन ले, बेशक इसमें तेरा ही भला है। ए भाई, दुनिया किसी के पास नहीं टिकती, तो दुनिया के पैदा करने वाले से दिल लगा और बस दुनिया की हुकूमत पर सहारा और भरोसा करना छोड़ दे, क्योंकि दुनिया ने तुझ जैसे बहुत से पाले और मार डाले। वो बंदा जो गिरे पड़ों पर रहम नहीं खाता, क्या इस बात से नहीं डरता कि अगर उसका पैर फिसलेगा तो उसकी कोई दस्तगीरी नहीं करेगा। शेर कुत्ते का बचा हुआ नहीं खाता, अगरचे भूख से गार के अंदर मर जाए। बेचारगी और भूख पर राजी हो जा और कमीने के सामने अपने हाथ मत फिला। मस्कीन बिल्ली अगर पर रखती तो चिड़ियों का बीज दुनिया से उड़ा देती। किसी आदमी को अपने पास ना आने देता अगर गधा बैल के दो सींग रखता। अगर कोई दुश्मनी की निगाह से देखे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत की भी बुराई से निशानदही करेगा, और अगर अकीदत की नजर से देखे तो दोस्ती की निगाह से वो इसको फरिश्ता नजर आए। आंख को बर्छी की नोक पर देखना दुश्मनों के चेहरे देखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऐ होशियार मर्द, हामला औरतें अगरचे जन्ने के वक्त सांप जने, तू अकलमंद के नजदीक उससे बेहतर है कि वो नालायक लड़के जने। कुत्ते को 7 दरियाओं में गुसल दे लो, जिस कदर ज्यादा तर होगा उसी कदर ज्यादा नापाक हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे को अगर कोई मक्का में ले जाए, जब वापस आएगा फिर गधा ही होगा। एक बुढ़िया ने बाल स्याह किए थे। मैंने उसे कहा, ऐ बूढ़ी अम्मा, माना कि तूने मक्कारी से बाल स्याह कर लिए हैं, लेकिन ये टेढ़ी कमर सीधी ना हो पाएगी। दुनिया की नेमत से लालचियों की आंख सैर नहीं होती, जैसा कि कुआं शबनम से नहीं भरता। जिस दिल को बहिश्ती हूर ने उचक लिया और लूट लिया, वो दुनियावी माशूकों की तरफ क्या तवज्जो करेगा। कांच तुम हर जगह पालोगे, इसलिए बेकदर है। लाल मुश्किल से हाथ में आता है, इसी वजह से प्यारा है। जिसकी बीवी गैरों के सामने दुपट्टा ठीक करने लगे तो समझ जाइए कि उसके दिल का खाना खाली है। क्यामत के दिन अल्लाह कहेगा, कहां है वो जो मेरी अजमत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आज मैं उन्हें अपने साये में जगह दूंगा, आज मेरे साये के सिवा कोई साया नहीं। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें रिजक दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। वो सब सुबह को भूखे होते हैं और शाम को पेट भरे।